सो हेलो और नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल टेक मशीन में एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ। अनबॉक्सिंग कुछ ऐसी है जो शायद आपको पसंद ही ना आए, लेकिन यार मैंने सोचा कि आपको थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी और आपको भी कभी आगे में लेनी होगी चीज़। तो देखिए, चलिए देखते हैं कि अनबॉक्सिंग किस चीज़ की है। अनबॉक्सिंग है SMPS की, जो पावर सप्लाई यूनिट होती है कंप्यूटर के अंदर उसकी। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक फ्रंटेक की पावर सप्लाई, जो कि 600 वॉट की पावर सप्लाई है। भाई फिलहाल में मेरी पावर सप्लाई जो कंप्यूटर की थी वो ख़राब हो गई, तो मेरे को ये नहीं लेनी पड़ी, जिसकी वजह से मैं एक हफ्ते तक आप लोगों के लिए वीडियो भी नहीं डाल पाया। तो चलिए पावर सप्लाई देखते हैं कैसी है। तो यहाँ आप इसका बॉक्स देख सकते हैं पावर सप्लाई का, आपको यहाँ बॉक्स दिख रहा है पावर सप्लाई का कि किस तरीके की पैकिंग में आया है। तो यहाँ आगे लिखा हुआ है फ्रंटेक पावर सप्लाई, जो कि 600 वॉट की पावर सप्लाई प्रोवाइड करती है। जो मेरी पिछली पावर सप्लाई यूनिट थी वो 450 वॉट की थी, तो यह 600 वॉट की पावर सप्लाई है। और यहाँ स्मार्ट एंड साइलेंट कूलिंग फैन इसमें लगा हुआ है, जैसा कि बता रहे हैं, अभी तो मैंने चेक नहीं किया है। इसमें मल्टी कोर CPU सपोर्टेड है। अगर आपका CPU है वो मल्टी कोर है, मतलब ड्यूअल कोर है, क्वाड कोर है, ऑक्टा कोर है, तो ये उसको भी सपोर्ट करेगा। और इसमें सपोर्ट साटा कनेक्टर, इसमें साटा कनेक्टर्स भी है जो कि आपके हार्ड डिस्क से कनेक्ट होंगे और आपके जो DVD राइटर है उससे कनेक्ट होंगे, मदरबोर्ड। तो और यहाँ 4-pin ATX कनेक्टर एक दे रखा है। तो अगर हम इसके साइड में जाते हैं तो हमें इसकी स्पेसिफिकेशंस पता लग जाती है। स्पेसिफिकेशंस में हमें यहाँ पता लगता है कि ये इसमें एक ATX दे रखा है 12 वोल्ट का, और 20 से 24 पिन वाली मेन पावर कनेक्टर है जो मदरबोर्ड में लगेगी। और साटा कनेक्टर के हमें 3 पीस दे रखे हैं, मोलेक्स कनेक्टर दे रखे हैं 2 पीस के, और 4-pin ATX कनेक्टर दिए हैं उसका एक ही पीस है। तो 120 mm का स्मार्ट कूलिंग फैन इसमें लगा हुआ है। तो ओवरऑल तो ये बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं, मैं इसकी अनबॉक्सिंग आपकी के सामने कर देता हूँ। तो खोलने के बाद आप इसको देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या मिल जाता है। सबसे पहले हमें यहाँ मिलते हैं इसके नट्स, नट बोल्ट होते हैं जो इसको पेंच होते हैं कसने के लिए, इधर आपको पीछे लगाने के लिए, तो ये नट्स में मिल जाते हैं। और दूसरी देखते हैं पावर कोड, हमें यहाँ पावर कोड मिल जाता है, लेकिन पावर कोड की क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं लग रही, थोड़ी वायर की क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है, तो मैं अपना पिछले वाला पावर कोड ही यूज़ करूँगा। तो अब यहाँ निकालते हैं मेन यूनिट, जो कि है मेन यूनिट SMPS, ब्लैक कलर के बॉक्स में आया है। तो यहाँ आप इसका फ़ैन देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा बड़ा और बड़ा फ़ैन है जो कि कूलिंग बहुत ही अच्छी करेगा, जहाँ तक मेरे को लगता है। और यहाँ पर आप साइड से देख सकते हैं कि जो ये जाली दे रखी है, इसके अंदर से आपको PCB अंदर की दिख रही होगी, यहाँ क्या क्या कॉम्पोनेंट्स लगे हुए हैं आप। और यहाँ पीछे की तरफ देखते हैं, पावर कोड को इंसर्ट करने के लिए हमें पोर्ट दिया गया है, और आसपास तो कुछ नहीं है, बस ऊपर फैन दिया गया है। तो चलिए इसकी केबल्स की तरफ देखते हैं। केबल्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कौन कौन सी केबल मिल जाती है। हमें साटा कनेक्टर्स मिल जाते हैं, मेन पावर कनेक्टर मिल जाते हैं, मोलेक्स कनेक्टर मिल जाते हैं, एक्सेट्रा। अभी तो ये मैंने अपने PC में लगाया नहीं है, तो जब मैं इसको PC में लगा दूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। लेकिन अभी तक जो भी मैंने रिव्यू पढ़े हैं उसके हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी, तो मैंने इस ही पावर सप्लाई का चूज़ किया है। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ये रोज़ एक नई टैक्स से रिलेटेड वीडियो। सो बाय, जय हिंद।